हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस दिए हैं उनको देखेंगे। क्या कर रहा है, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या कर रहा है कि द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हैव। अच्छा चलिए मैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी मैं एक क्वाड्रिलेटर लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है ना जी। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी। अच्छा अपोजिट साइड की बात करें जैसे ए बी और यहाँ डी सी की, तो इन अपोजिट साइड में हम लोग देख रहे हैं कि इनमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा ना सही, नो कॉमन पॉइंट। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हैव नो कॉमन पॉइंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू देखिए द कंजिक्यूटिव साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हैव। कंजिक्यूटिव यानी कि इसके एडजेसेंट साइड की, जैसे ए बी बी सी सी डी सी डी ए डी हो जाएगा या सी डी बी सी हो जाएगा इस तरह से। तो अगर ए बी और बी सी में देखें तो इसमें क्या हो रहा है, वन कॉमन पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे बी, है ना जी, यहाँ बी नंबर आंसर हो जाएगा, वन कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थ्री नंबर, पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटर, पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ, यहाँ पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस पी क्यू आर एस इज ए पैलोग्राम, किस केस में पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पैलोग्राम हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर बना रह रहा हूँ, ये आपका क्वाड्रिलेटर है, ठीक है ना जी, ठीक है, ये मैंने एक क्वाड्रिलेटर बना लिया, इसका नाम देते हैं मान लीजिए यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पर R और यहाँ पर S। क्या कर रहा है, इसके डायगोनल जो है ना, इसके डायगोनल इस क्वाड्रिलेटर के ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, ठीक है, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें से किस कंडीशन के लिए ये पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटर है ये पैलोग्राम कहलाएगा। तो देखो पहला वाला केस देखते हैं, यहाँ पर एंगल पी है 100 डिग्री, ये 100 डिग्री है, एंगल क्यू है 80 डिग्री, तो इन दोनों का सम 180 हो जा रहा है कि नहीं। अगर ये 100 डिग्री है और ये 80 है तो यहाँ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो रहा है, सप्लीमेंट्री हो जा रहा है। अच्छा और एंगल आर 100 डिग्री, तो यहाँ अपोजिट एंगल भी इक्वल एक हो जा रहा है, तो ये क्या होगा, पैलोग्राम का कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ए नंबर हो जाएगा। अच्छा यहाँ बी नंबर को भी चेक करके देख लेते हैं, पी क्यू 85 डिग्री, एंगल पी 85, एंगल क्यू 85। अच्छा पी और क्यू ये दोनों इक्वल है, तो ये तो हम ये आपका पैलोग्राम की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए पी क्यू दिया गया है 7 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये काइट काइट के कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ओ पी 6.5, ओ क्यू यहाँ 6.5, ओ पी 6.5, ओ क्यू 6.5, ओ क्यू 6.5, ओ आर नहीं, ये गड़बड़ दे दिया, ओ पी 6 पॉइंट हो और ओ आर 6.5 हो तब ठीक रहता है ना जी, इसमें से कोई नहीं फॉलो कर रहा है ए के अलावा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर इज नॉट अ रोम्बस, इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटर रोम्बस नहीं होगा, किस कंडीशन के लिए। क्या कह रहा है ए नंबर, कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो वो तो रोम्बस हो ही जाएगा, डायगोनल बाइसेक्ट इज अदर, रोम्बस में होता है लेकिन 90 पे बाइसेक्ट करता है, ये हम लोग जानते हैं। आगे और भी देखते हैं, ये कंडीशन में आ रहा है ना, उसमें रोम्बस में होता है, डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, देखिए अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, हाँ ये भी ठीक है, डायगोनल जो होता है अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये इसको इक्वली डिवाइड करेगा, इसको भी इक्वली डिवाइड करेगा। क्या कह रहा है कि वन एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज 60 डिग्री, यही आपका देख रहा है, ये कंडीशन नहीं होता है, वन एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, डायगोनल्स के बीच का हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक करते हैं, तो ये डी नंबर ये ऑप्शन सही है, इस ये इसके ये जो क्वाड्रिलेटर होगा वो रोम्बस नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, डायगोनल्स नेसेसरली बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स इन अ, ये किस में होता है जी, तो देखिए डायगोनल जो अपोजिट एंगल को बाइसेक करते हैं या तो वो स्क्वायर होगा तब या फिर वो रोम्बस होगा तब, तो यानी कि ऑप्शन में तो रोम्बस नहीं दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है ना। आप स्क्वायर के अंदर जानते हैं कि डायगोनल जो होता है ना अपोजिट एंगल को बाइसेक करते हैं इक्वल पार्ट में, रोम्बस में भी यही होता है, तो स्क्वायर दिख रहा है ऑप्शन में, रोम्बस तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, द टू डायगोनल्स आर इक्वल इन ए, किस में इक्वल होकर दीजिए, तो ये रेक्टेंगल में इक्वल होता है और बाकी इसमें से किसी में भी स्क्वायर में भी इक्वल होता है, स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है, रेक्टेंगल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर सेवन, वी गेट अ रोम्बस बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ, किसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे, तो रेक्टेंगल के जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, हम लोग रेक्टेंगल में देखे हुए हैं कि रेक्टेंगल की साइड्स के यहाँ मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो यहाँ जो हमें क्वाड्रिलेटर मिलता है वो क्या होता है आपका,
रोम्बस हो जाता है, ये आपका रोम्बस होता है। ठीक है ना जी, बहुत बार प्रूफ भी किए हैं, क्वेश्चन तो ऐसे थे ना जी एक्सरसाइज में, तो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेलोग्राम इंटरसेक्ट एट, अच्छा तो वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, 8 का डी नंबर जगह। समझ लीजिए, जो पैरेलोग्राम होता है, मैं यहाँ पे एक पैरेलोग्राम बना देता हूँ, क्या करा है इसकी, कोई भी एक एडजेसेंट एंगल ले लीजिए, एडजेसेंट एंगल ले लीजिए, उनके एंगल का बाइसेक्टर। तो यहाँ पर ये दोनों एडजेसेंट एंगल लेते हैं और इनका बाइसेक्टर। हम लोग जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ये वाला और ये वाला पूरा मिला के 180, यानी कि इसको और इसको, इसके हाफ को देखेंगे तो ये 90 हो जाएंगे दोनों मिलके, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 90। अंदर वाला देखो, यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल, एंगल ओ ए, ओ ए बी और ओ बी ए, ये दोनों 90 हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 ना, तभी ना तीनों मिला के 180 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ पैलोग्राम इनक्लोज, क्या कह रहा है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैलोग्राम क्या फॉर्म करेंगे, ये बता रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहां पर अगर हम लोग एक पैलोग्राम यहां पर बना ले, ठीक है, एक पैलोग्राम बना लेते हैं, एक पैलोग्राम हो जाएगा यहां पर, ठीक है, ए बी सी डी ऐसे सपोज कर लेते हैं, इनके एंगल्स द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेलोग्राम, इसके एंगल का बाइसेक्टर, ये पहला ये बाइसेक्टर हो जाएगा, दूसरा एंगल सी का ये बाइसेक्टर हो जाएगा, है ना, फिर उसके बाद तीसरा यहाँ पर देखिए, इस एंगल का ये बाइसेक्टर हो जाएगा, है ना जी, इस एंगल का ये बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है, और उसी तरह से एंगल डी का ये वाला बाइसेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ जो फॉर्म हो रहा है इसके बीच में, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर एस, ये क्या बनेगा, तो ये आपका एक क्या बनेगा जी, ये आपका एक पैलोग्राम ही ना, ये पैलोग्राम फॉर्म हो जाएगा ना जी, नहीं रेक्टेंगल के फॉर्म में आएगा, क्योंकि हर एक एंगल 90 भी आएगा, तो रेक्टेंगल हो जाएगा, ये हम लोग प्रूफ भी किए थे एक्सरसाइज में, है ना जी, ये क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म करता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, the figure formed by joining the midpoint of the adjacent sides of a quadrilateral, अच्छा adjacent side quadrilateral के join करने पे जो figure formed होगा वो क्या बनता है, वो बनेगा आपका क्या बनेगा जी, वो आपका बन जाएगा parallelogram। हम लोग बहुत बार prove करके देख चुके हैं, मान लीजिए ए बी सी डी आपका quadrilateral है, इनके sides का midpoint यहाँ पे adjacent side का पी क्यू आर एस, इनको join करने पे जो यहाँ फिगर फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो आपका एक पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, है ना जी, पैरेललोग्राम। तो क्या बन जाएगा ये फिगर, पैरेललोग्राम ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल, चलिए आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए ए बी सी डी, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, है ना जी, ये आपका रोम्बस बन जाएगा, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो बनता है वो आपका क्या होता है, रोम्बस होता है, ये हम लोग जानते हैं, पहले भी प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पे जो ये फिगर बनेगा ये आपका एक रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो इसे आप रोम्बस कह दो, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ रोम्बस, अच्छा रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर रोम्बस एक बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, रोम्बस बना लेते हैं, तो रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा, देख लेते हैं ए बी सी डी, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर ले लीजिए पी, यहाँ पर ले लीजिए क्यू, यहाँ पर ले लीजिए आर और इधर ले लेते हैं एस, तो इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से यहाँ जो फिगर फॉर्म होगा वो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है ना जी, ये रेक्टेंगल बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए स्क्वायर, चलिए मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ले लेता हूँ और स्क्वायर यहाँ पे बना लेने के बाद देखिए इसके स्क्वायर के साइड के मिड पॉइंट से, स्क्वायर के साइड के मिड पॉइंट से, जैसे यहाँ पे पी ले लेते हैं, यहाँ पर क्यू ले लेते हैं, यहाँ पर आर ले लेते हैं और यहाँ पे एस ले लेते हैं, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो फॉर्म होगा, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि स्क्वायर के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो फिगर हमें फॉर्म होके मिलता है वो आल्सो स्क्वायर ही होता है, यानी कि 13 नंबर का बी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ पैलोग्राम। तो पैलोग्राम की, यहाँ पे मैं एक पैलोग्राम बना लेता हूँ, एक पैलोग्राम ले लेते हैं ठीक है। पैलोग्राम की एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने पर जो फिगर बनेगा, ये फिगर क्या होगा, यहाँ पे पी क्यू आर और यहाँ एस दे देते हैं, ठीक है, इनको ज्वाइन कर देते हैं। फिर इसको ज्वाइन करके देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो फिगर फॉर्म्ड होगा यहाँ पर, ये आल्सो ए पैलोग्राम ही होगा, ठीक है, ये पैलोग्राम ही होगा, कोई अलग फिगर नहीं होगा, ये बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, इफ वन एंगल ऑफ ए पैलोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर एंगल देन द मेजर्स ऑफ द लार्जर एंगल इन ए पैलोग्राम। देखिए पैलोग्राम क्या कह रहा है, एक पैलोग्राम है, मैं एक पैलोग्राम बना लेता हूँ, इसका नाम नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव की तरह बनाते हैं। क्या कह रहा है कि ने पैलोग्राम क्या कह रहा है कि 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर एंगल द मेजर्स ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इन वन एंगल ऑफ ए पैलोग्राम। एक एंगल जो है पैलोग्राम का वह 24 डिग्री लेस देन है ट्वाइस द स्मॉलर एंगल का। तो स्मॉलर एंगल को एक्स ले लेते हैं और ये लार्जर एंगल जो होगा क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल जो होगा क्या होगा। तो क्या कह रहा है कि वन ऑफ द एंगल इज 24 डिग्री लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलर एंगल, ट्वाइस द स्मॉलर एंगल का 24 डिग्री लेस देन है। तो इन दोनों का सम देखेंगे तो आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना जी, 3x इक्वल टू में ये जाके उधर ऐड हो जाएगा तो 204 डिग्री, x इक्वल टू में आ जाएगा 204 और बाई में 3 से इसको काट देंगे, 3 6 18 और 3 8 21 68 डिग्री x का वैल्यू हुआ। हमें लार्जेस्ट एंगल निकालना है तो लार्जेस्ट एंगल जो निकालना है वो क्या हो जाएगा जी, 2x माइनस का 24 यही ना है जी, तो 2 इंटू में 68 और माइनस का 24, 8 टू जै 16 12 और 136 में से 24 को सबसे कर तो 112 डिग्री यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन अ पैलोग्राम ए बी सी डी डी ए बी इक्वल टू 75 डिग्री डी बी सी इक्वल टू 60 डिग्री फाइंड एंगल बी डी सी। चलिए मैं पहले यहाँ पर एक पैलोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है ना जी, पैलोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी। क्या करते हैं, इसके डायगोनल्स को मीट कर देते हैं, ठीक है ना जी। अब उसके बाद देखिए एंगल डी ए बी ये वाला 75 डिग्री दिया है और एंगल डी बी सी ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया है। तो एंगल बी डी सी देखिए कहाँ है, बी डी सी ये क्या होगा, ये हमें पता करना है। देखिए यहाँ पर एंगल डी ए बी और एंगल ए बी सी ये दोनों मिलके 180 होंगे ना, सप्लीमेंट्री होते हैं दोनों एडजेसेंट एंगल का सम, तो ये 75 है और प्लस में एंगल ए बी सी इक्वल टू में 180 डिग्री यानी कि एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, ये जाकर सब देखो 105। एंगल ए बी सी में दो एंगल है, एक तो एंगल यहाँ डी बी सी जो दिया है वो और दूसरा एंगल ए बी डी है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा ना ये और ये ऐड करके 105। चलिए तो यहाँ पे डी बी सी 60 डिग्री है और प्लस में एंगल ए बी डी नहीं पता है, इसको ले जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर एंगल ए बी डी जो होगा वो 45 डिग्री आ जाएगा, 105 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दिए। और यहाँ जो हमें निकालना है यह एंगल, इस एंगल के इक्वल होगा ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो यहाँ बी डी सी जो होगा, एंगल बी डी सी जो होगा इक्वल होगा एंगल किसके, ए बी डी, यानी कि ये 45 डिग्री हो जाएगा, 16 का सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए बी सी डी इज ए पैलोग्राम, ई एंड एफ आर द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एंड बी सी डी, फाइंड ई एफ। ई एफ क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक पैलोग्राम पहले बना लेते हैं, ठीक है ना जी, चलिए एक पैलोग्राम बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक पैलोग्राम बना लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ई एंड एफ ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी एंड बी सी डी, यानी कि इसको मिला देते हैं, मीट कर देते हैं, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं ई के इसका है ट्रायंगल ए बी डी का, ए बी डी का सेंटर यानी कि देखो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा,
ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे जो मिलेगा वही इसका सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, ये इसका सेंट्रॉइड है ये। ठीक है, उसी तरह से इसमें देख लीजिए इसका, ठीक है इसका और इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर, यानी कि ये सामने वाले पार्ट्स को इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये एफ है। तो ये ई एफ जो पूछ रहा है, ई एफ किसके इक्वल होगा ई एफ, ठीक है ना जी। तो समझिए ये सेंट्रॉइड जो होता है यहाँ पर, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट देते हैं पी, तो यहाँ देखोगे कि ए का और इस ई पी का जो रेशियो होगा 2:1 होगा। ये हम लोग पढ़े हैं 2:1 में, इधर भी आपका ये 2:1 होगा, है ना जी। तो देखो यानी कि ये 2 पार्ट और ये दोनों मिल गए 2 पार्ट और ये 2 पार्ट, तो यानी कि ई एफ जो होगा इस ए के भी इक्वल हो सकता है, सी एफ के भी इक्वल हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा कि नहीं, फिगर में जो दिया उसके अकॉर्डिंग, है ना जी। चार ऑप्शन दिया तो उसमें सी एफ तो दिया नहीं है, तो यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 18 नंबर देखिए। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है जी, पैरेललोग्राम कह रहा है। अच्छा फिर आगे क्या कह रहा है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, देन एंगल ए एम बी क्या होगा। चलिए पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ और फिर उसके बाद देखिए। ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी, पैरेललोग्राम है। एम क्या है, मिड पॉइंट है बी डी का, एम जो है मिड पॉइंट है बी डी का, बी डी इधर से ज्वाइन करने पहले पता चलेगा जी, एम मिड पॉइंट है बी डी का। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है कि बी एम बाइसेक्ट एंगल बी, बी एम ये एक्स बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो एंगल ए एम बी इक्वल टू कितना, एंगल ए एम बी कितना होगा, ए एम बी यानी, अच्छा ये एंगल कितना होगा ये हमें बताना है, ए एम बी कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है चलिए, अच्छा आप ये सोच रहे हो यहाँ पर ये जो मीडियन है इस एंगल को वैसे करें, इसका मतलब ये जो पैरेललोग्राम होगा ये एक रोम्बस होगा, है ना जी, रोम्बस होगा, ये रोम्बस होगा ना जी, तभी हो सकता है। रोम्बस ही क्या करता है, एंगल को डिवाइड करता है। तो जब रोम्बस होगा तो अगर हम लोग देखें ये एम मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि अगर इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये सी से जाके मिलेगा, यानी ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और बाइसेक्ट किस पे करते हैं, 90 पे ही ना करते हैं, तो यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इन इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 इट्स एडजेसेंट एंगल, तो स्मॉलर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होगा। देखिए एक पैरेललोग्राम यहाँ रफली मैं बना लेता हूँ, क्या कह रहा है कि क्या कर रहा है, इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। तो देखिए ये एंगल एक्स ले लेते हैं और ये इसका 2/3 है, ठीक है ना जी। तो अगर इन दोनों के सम की बात करें, दोनों एडजेसेंट एंगल के सम, तो ये 180 होगा ना जी। चलिए एलसीएम लेके ऐड करके देखते हैं, यहाँ पे 2x प्लस का 3x इक्वल टू में 180 डिग्री, यानी कि आ जाएगा 5x बाई 3 इक्वल टू में 180 डिग्री, यानी यहां से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू में 180 डिग्री इंटू में 3 और डिवाइड बाई 5। इसे हम लोग काट सकते हैं यहाँ पर 36 टाइम्स में, यानी आ जाएगा 108, x का वैल्यू 108। हमें स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल x है, स्मॉलेस्ट एंगल सॉरी 2x बाई 3 है, स्मॉलेस्ट एंगल 2x बाई 3 है ना जी, बड़ा वाला x है ना जी, 2 बाई 3 इंटू में 108, इसको हम लोग काट देंगे 36 टाइम में, यानी कि 36 टू जा 72, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा 19 का, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। इफ द डिग्री मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर 4x 7x 9x एंड 10x, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ ए स्मॉलर एंगल एंड द लार्जर, यानी कि इसका और इसका मेजर क्या होगा, स्मॉलर और लार्जर का। तो देखिए क्या कह रहा है, सबका यहाँ डिग्री में, तो चारों एंगल्स का सम कितना होगा, पहले एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, 360 डिग्री होगा ना जी, क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। चलिए यहाँ पे इन सबको ऐड कर लेते हैं कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये 16 और 4 20 और 20 10 30x इक्वल टू में 360 डिग्री, एक्स इक्वल टू में हो जाएगा 360 और बाई में 30, ठीक है 12 आ जाएगा, x इक्वल टू में 12 डिग्री। तो एंगल्स अगर हम लोग बात करें, स्मॉलेस्ट यानी 4x और लार्जेस्ट यानी कि हो जाएगा 10x,
इसमें सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, तो इन दोनों को ऐड करना तो 14x ना, यानी कि 14 और इनटू में 12 डिग्री, तो 12 में 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 168 ना आ जाएगा, है ना। तो यही 168 इसका वैल्यू, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके MCQ में दिए हैं मल्टीपल चॉइस में। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।